हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोगों का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं फाइनल का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कैसे करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। स्टेप बाई स्टेप आपको देखते रहना है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड और क्लास जितने भी सेंटर एग्जाम सेंटर है पूरी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। चलिए, आपको गूगल ओपन कर लेना है। दोस्तों, इस गूगल में लिख देना मैट्रिक एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट दे देंगे, आप इसके फर्स्ट साइट पे भी जा सकते हैं, कोई भी वेबसाइट खराब नहीं होता है। चलिए, इसको वेबसाइट पर हम क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर वाले साइट पे सब साइट ओरिजिनल ही रहता है, सब लोग अपना अपना साइट बना करके इंटरनेट पर छोड़ा रहता है। दोस्तों, चलिए हम सिंपली फर्स्ट नंबर वाले साइट पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, हम फर्स्ट नंबर वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार दस्तावेज ओपन होगा। दोस्तों, आपको नीचे की तरफ आना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के या ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, मतलब ये कहीं से कहीं इसका लिंक एक्टिवेट रहता है। दोस्तों, चलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्लिक हियर, आपको सिंपली क्लिक हियर पर इस पर क्लिक कर देना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट दे देंगे, वहां से जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं क्लिक हियर पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार दस्तावेज ओपन हो जाएगा। आपको इसमें स्कूल का कोड भर लेना है। जैसे मेरा स्कूल का कोड है 52306। चलिए, मैं स्कूल का कोड भर लिया। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, माइनस है तो माइनस लगा देना है। चलिए, हम इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेते हैं, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देना है, और जैसे जैसे लिखा हुआ है जैसे जैसे आपको भी फिल कर देना है। जैसे लास्ट में लिखा रहेगा वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके रजिस्ट्रेशन नंबर में से आपको फिल कर देना है। और इसमें आता है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर देना है। जन्मतिथि आपका कितना है आपको इसमें फिल कर देना है। चलिए, मैं अपना इसमें जन्मतिथि फिल कर देता हूँ। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा 4/3/2005, क्योंकि लाइव डेमो दिखाते हैं हम, कोई फेक वीडियो नहीं है। आपको सिंपली इस पर सर्च पर क्लिक कर देना है। हम जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर स्टार्ट हो जाता है। इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपको इसको थोड़ा डिटेल बता देते हैं, इसका नाम क्या है, ये स्टूडेंट कहाँ का है। देखो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रवेश पत्र वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021, सब सब कुछ ऑनलाइन डाटा डाउनलोड होता है। चलिए, कौन सा स्टूडेंट है, कहाँ का है, पूरी थोड़ा जानकारी भी ले लेते हैं। ये लिखा दोस्तों उत्कर्मित एम एस जोगमाना एस चरीगा सेकेंड सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का है ये स्टूडेंट। और आगे बात कर लेते, थोड़ा जानकारी भी देते हैं। परीक्षार्थी का नाम रणधीर कुमार, फादर्स नेम मदर्स नेम सब कुछ डाटा इस पे लोड है। उसके बाद परीक्षार्थी का आधार नंबर 4/3/2005, जन्मतिथि हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 52306, एम एस जोगमाना। इस स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर जो पड़ा हुआ है वो पुपड़ी में पड़ा हुआ है, यानी कि परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम यानी कि 5237 परीक्षा केंद्र का कोड हो गया, और एग्जाम सेंटर हो गया एम एस बहेरा जाहिदपुर सीतामढ़ी, यानी कि जाहिदपुर सीतामढ़ी में स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया है। एग्जाम सेंटर विषय का कोड 17 तारीख से परीक्षा 18 को है, 19 को है, 20 को है, 21 को बंद है, 22 को परीक्षा है। पूरी सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट कार्ड पर दिया गया है और सब विषय फर्स्ट शिफ्ट में है। 9:30 से एग्जाम शुरू होगा और 12:15 तक इसका एग्जाम चलेगा, यानी कि फर्स्ट परीक्षा 12:15 तक चलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना प्रिंट करना, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस लोगो पे आपको प्रिंट कर लेना है, लिखा है प्रिंट, आपको प्रिंट कर लेना है। चलिए, आप यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये लिखा है प्रिंट। चलिए, हम सिंपली इसको जूम करके थोड़ा प्रिंट बता देते हैं। ये लिखा है दोस्तों प्रिंट, आपको सिंपली प्रिंट करके आप प्रिंट कर सकते हैं अपने फाइल में। चलिए, धन्यवाद।